डोईवाला में घोषित विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस का पारा चढ़ गया है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विद्युत कटौती बंद किए जाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को जो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, पर उत्तराखंड की जनता विद्युत की समस्या को लेकर परेशान है। डोईवाला में हर रोज कई घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबारियों व आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग न तो विद्युत कटौती को लेकर कोई नोटिस जारी करता है, ना ही बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित किया गया। ऐसे में कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जिस तेजी से ये लोग बढ़ा रहे हैं, बहुत ही दुखद है। और हमने कुछ दिन पूर्व भी हम लोगों ने सरकार का पुतला दहन किया था जौलीग्रांट चौक पे, और आज कांग्रेस के सभी साथी यहाँ हम लोग पहुंचे हैं और सांकेतिक हम लोगों ने धरना यहाँ दिया है। और हम लोगों की मांग ये है कि आगामी जो 10 दिन है, अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये बिजली विभाग UPCL विभाग ने अगर ये रोस्टिंग बंद नहीं करी और जो दरें जो बढ़ाई गई हैं बिजली की, जिस तरीके से उन दरों को कम नहीं किया गया, तो हम लोग डोईवाला क्षेत्र के विधायक को भी कहना चाहूंगा कि इस समय जनता को आपकी जरूरत है, अधिकारी आप ही की सुनेंगे। हम लोग तो एक आवाज के रूप में, हमारे जितने कांग्रेस के साथी, हम आवाज के रूप में लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन उसका समाधान आपके द्वारा होना है। तो आप कृपा करके इस डोईवाला क्षेत्र की जनता के बीच में उनकी सुने और उनकी समस्याओं का।